नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह के फाउंडेशन कोर्स में खुशामदीद। सेल्फ ग्रूमिंग ट्यूटोरियल्स के साथ मैं हूं सना नज़ीर। आज हम बात करेंगे बालों और नाखूनों की सफाई के बारे में। हाउ टू क्लीन हेयर एंड नेल्स। HOW हाउ, TO2, CLEAN क्लीन, HAIR हेयर, AND and NAILS nails। students, बालों और नाखूनों की सफाई सेहत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नाखूनों के जरिए से जो गजा हम खाते हैं तो जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और हमें बीमार करते हैं, इसीलिए इनकी सफाई बहुत ज़रूरी है। आज के लेसन में हम सीखेंगे कि हमें कैसे अपने बालों और नाखूनों को साफ रखना है, तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालों की। बाल तो वही अच्छे होते हैं जो मजबूत होते हैं। सो स्टूडेंट्स, बालों में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में कम से कम 2 बार अपने बालों में तेल ज़रूर डालें और फिर उनको अच्छी तरह से धोएं। बालों को धोने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छी तरह गीला कर लें, यानी बालों को पूरी तरह तर कर लें कि उनकी कोई भी जड़ ऐसी ना हो जो सूखी रह जाए और जहां पानी ना पहुंचे। इस बात का यकीन कर लें कि आपके बाल पूरी तरह तर हो चुके हैं और उसके बाद कोई भी शैम्पू बालों में लगाएं। लेकिन याद रहे, शैम्पू को डायरेक्ट बालों पे अप्लाई ना करें। पहले शैम्पू को थोड़े से पानी में मिलाएं और फिर इस शैम्पू को बालों में मसाज करें, यहाँ तक कि शैम्पू से झाग आने लगें। अब आप अपने बालों को अच्छी तरह धो लें, यहाँ तक कि सारा शैम्पू निकल जाए। बालों की मजबूती और सेहत के लिए ज़रूरी है कि बालों की सफाई का खास ख्याल रखा जाए। और अब बात करते हैं नाखूनों की। नाखूनों को हफ्ते में 1 बार ज़रूर तराशना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, तो नाखूनों को तराशने के लिए नेल कटर का इस्तेमाल करें और अगर नाखूनों में मैल महसूस हो तो नेल क्लीनर का इस्तेमाल करें और नाखूनों को शेप देने के लिए नेल फाइलर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इससे आपके नाखून न सिर्फ साफ होंगे बल्कि इनकी बहुत प्यारी सी शेप भी बन जाएगी। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेसन ख़त्म हुआ। अगले लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।